वेलकम बैक टू एसके वन के एंड आज हम लोग फिर से रिटर्न है एक नए वीडियो के साथ एंड टुडे आई एम गोना बी टेलिंग यू कि अगर आपके पास एक स्प्रिंग मास सिस्टम है कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है तो उसमें कैसे मान लो आपने दो अलग अलग स्प्रिंग्स कनेक्ट किया तो कैसे उनके अलग अलग फोर्स कॉन्स्टेंट की वजह से अगर ये बेसिकली एक SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो कैसे कांड की आपकी एक फाइनल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सिंपल हार्मोनिक मोशन क्रिएट होती है क्योंकि अगर आप देखते हो कि मान लो एक स्प्रिंग मास सिस्टम है आपके पास आप एक सिंपल सा लिया जाता है ये मास M हो गया इसमें मैंने एक स्प्रिंग ऐड किया है एक स्प्रिंग इससे कंबाइन किया है विद अ स्टिफनेस के तब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होगी अगर ये ऑसिलेट करता है दैट विल बी 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ के ओवर एम ये हमें पता है जैसे ओमेगा ओवर 2 पाई आप कह सकते हो वेर ओमेगा इज द अंडर रूट ऑफ के ओवर एम एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी लेकिन क्या होगा अगर आपने दो अलग अलग स्प्रिंग्स कनेक्ट किए हैं लेट्स से इन दो अलग अलग काइंड की अरेंजमेंट्स समथिंग लाइक दिस एक आपने कुछ ऐसा कनेक्ट किया कि आपके पास यहाँ पे ये ब्लॉक है यहाँ पे ले लो ये इधर एक स्प्रिंग है ठीक है इधर एक स्प्रिंग है इसकी स्टिफनेस मान लो K1 इसकी स्टिफनेस K2 इसका मास हो गया M दे आर नॉट P एंड K दे आर K1 एंड K2 एक जनरल केस की बात करें तब यहाँ पे अगर मैंने इसे एक साइड डिस्प्लेस किया हमें पता है SHM होगा स्टार्ट होगा तब फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या एक ऐसा ही एक और केस बनाया जा सकता है जिसमें ये ब्लॉक कुछ ऐसे सिस्टम में होगा ये इस स्प्रिंग K1 से कनेक्टेड होगा K1 इन टर्न K2 से कनेक्टेड होगा एंड दैट विल बी कनेक्टेड टू दिस वॉल तब ऐसे कुछ सिस्टम्स बनाए जा सकते हैं एंड वी आर गोना बी लुकिंग एट दम सो इस पे डिस्कस कर लेंगे एक और विथ दे आर बेसिकली प्लेस्ड इन सीरीज K1 एंड K2 कंबाइंड उस पर डिस्कस कर सकते हैं अगर इसको आप देखते हो मान लो मैंने कहा कि ये मास M को मैंने यहाँ पे x डिस्प्लेसमेंट से इतना डिस्प्लेस किया अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से जो कि x इक्वल्स 0 है जब मैं इस ब्लॉक को यहाँ पे लाता हूँ तब यहाँ पे अगर आप देखते हो मैंने इसे यहाँ पे खींचा ये वाली स्प्रिंग स्ट्रेच होती है ये वाली स्प्रिंग कंप्रेस होती है मैंने इधर लाया ये स्ट्रेच होगी ये वाली कंप्रेस होगी जब K1 स्टिफनेस के K1 फोर्स कॉन्स्टेंट के स्प्रिंग स्ट्रेच होगी तब ये इस साइड पुल करने की कोशिश करी ये ब्लॉक को अब देखो ये x से बेसिकली स्ट्रेच हुई तब ये ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में K1 x से पुल करी ये वाली कंप्रेस हुई तो ये भी इसे दूर ले जाना चाहिए तो ये वाली स्प्रिंग भी उसी डायरेक्शन में पुश करेगी विथ K2x तब यहाँ पे इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है जो कि रिस्टोरिंग है इसे x इक्वल 0 के टुवर्ड्स ये फोर्स लग रहा है दैट इज K1x प्लस K2x मान लो मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया तब ये -K1 - K1x + K2x हो जाएगा मतलब माइनस आपने लिख लिया K1 + K2x को कॉमन रख दिया ठीक है यही रिस्टोरिंग फोर्स होती है यहाँ पे इस मास का अगर आप एक्सेलरेशन देखते हो ये हो जाता है -K1 + K2 / m टाइम्स में x हो गया यही होगा एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ये बेसिकली क्या है d2x / dt² राइट किसके इक्वल है -K1 + K2 / m टाइम्स में एक्स के इक्वल ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है यहाँ से क्लियरली पता चलता है कि अगर मैं ओमेगा लिखना चाहता हूँ तो ये स्क्वेयर रूट ऑफ K1 + K2 / m के इक्वल है दैट इज ओमेगा ओमेगा स्क्वेयर इज K1 + K2 / m मतलब इसके लिए फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होगी 1/2 पाई द ओमेगा दैट इज अंडर रूट ऑफ K1 + K2 / m ये हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होगी अगर इंडिविजुअली इन स्प्रिंग्स को कनेक्ट किया जाता तब क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होती मान लो मैंने सिर्फ K1 को कनेक्ट किया तब ये होती 1/2 पाई स्क्वेयर रूट ऑफ K1 / m F2 अगर सिर्फ मैंने K2 को कनेक्ट किया होता 1/2 पाई स्क्वेयर रूट ऑफ K2 / m तो अगर देखा जाएगा द 1/2 पाई स्क्वेयर रूट ऑफ K1 + K2 / m ये तभी पॉसिबल होगी अगर मैंने इसे अंडर रूट ऑफ F1² + F2² लिखा है मतलब दिस इज अंडर रूट ऑफ F1² + F2²
ऐसे केस में जहां पे आपके पास एक साइड पे K1 है दूसरी साइड पे K2 है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इन SHM इज 1/2 पाई रूट ऑफ K1 प्लस K2 ओवर M, एंड आपको देखना है कि इसे स्क्वायर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर लिखा जा सकता है, जहां पे F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन अगर सिर्फ K1 कनेक्टेड होता एंड F2 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन अगर सिर्फ K2 कनेक्टेड होता। ऐसे एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा केस देखा जा सकता है जहां पे मैंने मान लो ले लिया कि ये ब्लॉक है आपके पास, ये ब्लॉक है आपके पास, यहाँ पे मेरी एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग है इनफैक्ट K1, फिर यहाँ ये K1 एक और स्प्रिंग से कनेक्टेड है विच इज इन टर्न K2, एंड अब मैंने इस ब्लॉक को यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया विद अ डिस्प्लेसमेंट x, डिस्प्लेसमेंट मेरा x हो गया। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM क्या होगी, दिस अ वेरी इंटरेस्टिंग केस। अगर मैं देखता हूँ मैंने इसे x से डिस्प्लेस किया, K1 एंड K2 दोनों मिलके x से डिस्प्लेस होंगे, आपको देखना है, ऐसा नहीं है कि K1 भी x से डिस्प्लेस हुआ K2 भी x से डिस्प्लेस हुआ, एंड जरूरी नहीं है K1 x by 2 से डिस्प्लेस हुआ K2 x by 2 से, सो द टोटल इज x। K1 एंड K2 दोनों अलग अलग डिस्प्लेसमेंट्स कर सकते हैं, इनकी लेंथ स्ट्रेच हो सकती है, लेकिन इनको जो टोटल अगर आप देखते हो इनकी डिस्प्लेसमेंट होगी इस स्प्रिंग की x होगी, इस ब्लॉक की भी x होगी, वही यहाँ पे होने वाला है। तब इस केस में फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कैसे निकालेंगे, तब अगर आप यहाँ पे देखते हो मैंने इसे x से डिस्प्लेस किया, इस ब्लॉक पे फोर्स कौन से एक्ट करेगी, जब इसे इधर x से डिस्प्लेस किया K1 स्ट्रेच हो रही है तो ऑब्वियसली ये पुल करने की कोशिश करेगी, मतलब मास m पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगी विच इज के वन एक्स, एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट, इनफैक्ट ये के वन एक्स नहीं होगा इसे के वन एक्स वन कहो, मैंने कहा कि मान लो के वन एक्स वन डिस्प्लेसमेंट करेगी, एक्स वन अमाउंट से स्ट्रेच होती है, के टू एक्स टू अमाउंट से एडिशनली स्ट्रेच होती है, एक्स वन प्लस एक्स टू, एक्स वन की कितना स्ट्रेच होगी प्लस एक्स टू कितना स्ट्रेच होगी उसको ऐड करोगे आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक मिलेगा, सिंपल कंस्ट्रेंट रिलेशन है एक्स इक्वल्स एक्स वन प्लस एक्स टू। तब अगर ये स्प्रिंग x1 स्ट्रेच होती है तो ये इधर k1 x1 फोर्स लगाएगी वापस आने के लिए, देन द थिंग इज x इस ब्लॉक पे इधर k1 x1 फोर्स लगा है, लेकिन x1 कितना है हमें नहीं पता, सो विल हैव टू फॉर्म सम अदर फोर्स इक्वेशंस। कैसे करेंगे, आपको समझना है कि मैंने मासलेस स्प्रिंग्स का केस लिया है, मासलेस स्प्रिंग्स, अब देखो मासलेस स्प्रिंग्स का मतलब क्या होता है, इन्हें एक्सेलरेट करोगे तो भी जीरो फोर्स रिक्वायर्ड होगी। The thing is, since आपको पता है कि नेट फोर्स मान लो x डायरेक्शन में मैंने ले लिया इक्वल्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन, यहाँ पे ये वैल्यू जीरो पुट करोगे जीरो, किसी भी मासलेस स्प्रिंग पे टोटल नेट फोर्स हमेशा जीरो होनी चाहिए जब तक वो स्प्रिंग मासलेस है, ये आपको समझना है, सिंस मास जीरो है मतलब जो नेट फोर्स ऑन ईच एंड आप देखोगे वो जीरो होगा। तब अगर मैं इस स्प्रिंग पे देखता हूँ K1 पे, मान लो K1 अब स्प्रिंग कांस्टेंट वाले स्प्रिंग को मैंने देखा है, इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दो, अब इसको अगर मैं देखता हूँ ये क्लियरली इस ब्लॉक को K1 X1 से पुल कर रहा है, सो बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ K1 X1 से ये ब्लॉक भी इस स्प्रिंग को पुल कर रहा है, देखो अब स्प्रिंग पुल किया जा रहा है बाई K1 X1, हमें पता है नेट फोर्स ऑब्वियसली जीरो होनी चाहिए, यहाँ पे भी तब कोई बेसिकली काइंड की पुलिंग होनी चाहिए, ये पुलिंग कैसे होगी, जब ये K1 X1 से इस दूसरी स्प्रिंग को भी पुल कर रहा है, नाउ द थिंग इज कि इसको तो ये K1 X1 से पुल कर रहा है, ये दूसरी स्प्रिंग भी X2 अमाउंट से स्ट्रेच हो रही है, तब जब ये X2 अमाउंट से स्ट्रेच हो रही है ये इस स्प्रिंग को K2 X2 से इधर पुल करेगी, ये K2 X2 से इधर पुल करेगी, K1 इसे K2 X2 से इधर पुल करेगा, तब अगर मैंने इस K1 स्प्रिंग पे ही देखा दिस इज स्प्रिंग K1, ये सिर्फ ब्लॉक को K1 X1 से पुल कर रहा है, ब्लॉक इसे K1 X1 से पुल कर रही है, ये जो सेकंड स्प्रिंग है X2 से स्ट्रेच हो रहा है, तब इसका मतलब ये इसे ये स्प्रिंग उसे K2 X2 से पुल कर रहा है, मतलब वो इसे K2 X2 से पुल कर रही है, सिर्फ नेट फोर्स जीरो होना चाहिए तब ये इक्वेशन परफेक्टली बैलेंस होना चाहिए, मतलब मान लो मैंने ले लिया X2 कितना हो गया K1 ओवर K2 टाइम्स में X1, ठीक है ये मान लो वैल्यू ऑफ मुझे x2 मिल गई इन टर्म्स ऑफ x1, अब यहाँ से हम लोग x1 निकाल सकते हैं एज x माइनस में x2, एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि x माइनस में k1 ओवर k2 x1 मेरा किसके इक्वल है, मेरे x1 के ही इक्वल है, इंप्लाइज दैट x इक्वल्स k1 ओवर k2 x1 प्लस में x1 के इक्वल हुआ, ये वैल्यू ऑफ x मिलेगी,
समथिंग लाइक दिस, वहां से एक्स वन की इनफैक्ट वैल्यू निकालेंगे तब इसे सॉल्व करेंगे। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हो गया के टू एक्स वन, ये हो गया के वन एक्स वन प्लस के टू एक्स वन ओवर में के टू हो गया, जिसे मैं एक्स के इक्वल लिख रहा हूँ। मतलब क्या, यहाँ से एक्स वन कॉमन ले लो, ये हो गया के वन प्लस के टू इक्वल्स के टू एक्स। अब देखो मुझे इनफैक्ट एक्स वन फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ एक्स, तब मैंने क्या लिखा, एक्स वन इक्वल्स के टू एक्स ओवर के वन प्लस के टू। तो ऐसे कुछ कंस्ट्रेंट रिलेशन एंड फोर्स रिलेशन, रिमेंबर वी हैव यूज्ड न्यूटन सेकंड लॉ थर्ड लॉ, एक कंस्ट्रेंट रिलेशन बनाए, तब मुझे पता चला कि ये स्प्रिंग वन स्प्रिंग के वन कितनी स्ट्रेच होगी, दैट विल बी के टू एक्स ओवर के वन प्लस के टू। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मेरा ये हो गया तब क्लियरली मुझे पता चलता है ये इस ब्लॉक को के वन एक्स वन से फुल कर रही है। हमें अब बस क्या करना है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के लिए निकाला था, इस ब्लॉक के लिए एक्सेलरेशन का इक्वेशन लिखेंगे। ब्लॉक पे कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, इग्नोरिंग फ्रिक्शन k1 x1 ही एक्ट कर रही है। मतलब अगर मैंने ब्लॉक के लिए नेट फोर्स लिखा, नाउ दिस इज फॉर ब्लॉक, ये मैं ब्लॉक के लिए लिख रहा हूँ, ये क्लियरली हो गया। मास टाइम्स में इसका एक्सेलरेशन लिखेंगे, बट हियर फोर्स विल राइट k1 x1, k1 x1 क्या है, k2 x ओवर k1 प्लस k2, सो दिस इज इक्वल टू k1 k2 x ओवर k1 प्लस k2, जिसको मैंने लिखा मास टाइम्स में इसके एक्सेलरेशन के इक्वल। तब अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा रब कर देता हूँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गेस आई विल जस्ट पॉज द वीडियो एंड उसके बाद थोड़े यहाँ ऑल राइट, तो इतना देख लिए यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या मिला। अब देखो ये सिंस एक रिस्टोरिंग फोर्स है, तो इट विल बी फार बेटर अगर मैंने एक माइनस साइन लगा दिया, तो एक्सेलरेशन क्या मिला, माइनस k1 k2 ओवर k1 प्लस k2, जैसे ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाई m टाइम्स में एक्स, एंड लुक एट दिस सो ब्यूटिफुल थिंग कि यहाँ पे एक्स आ रहा है, एंड इनफैक्ट ए को आप क्या लिख सकते हो, d2x by dt square लिख सकते हो, which forms a similar differential equation, and that forms a similar differential equation to d2x over dt square equals minus k over m times x। तब यहाँ से हमें क्लियरली पता चलता है इसका सॉल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं विद ओमेगा, सिमिलर सॉल्यूशन होगा एक नॉर्मल स्प्रिंग मास सिस्टम का, लेकिन ओमेगा की बस वैल्यू डिफर करती है क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम आपने चेंज किया। तो ये टर्म क्लियरली ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा, मतलब ओमेगा किसके इक्वल हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ k1 k2 ओवर में k1 प्लस k2 m। एक नॉर्मल स्प्रिंग मास सिस्टम में स्क्वायर रूट ऑफ k ओवर m होता है, इस सिस्टम में हम लोगों ने देखा था स्क्वायर रूट ऑफ k1 प्लस k2 ओवर m, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ k1 k2 ओवर k1 प्लस k2 m के इक्वल ओमेगा होगा, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज 1/2π स्क्वायर रूट ऑफ k1 k2 ओवर में हो गया आपका k1 प्लस k2 टाइम्स में m। ये हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इस केस के लिए हो, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे इसकी इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑसिलेशन से रिलेट किया था। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो अभी भी इस टर्म को मैंने लिखा था स्क्वायर रूट ऑफ f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर, जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, ये दिस इज k1 प्लस k2 ओवर m। यहां से अगर आप देखते हो एक सिमिलर टर्म अपीयर करता है, ये हो गया एक स्क्वायर रूट ऑफ k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर, फिर एक f1 टाइम्स दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर, फिर एक f1 टाइम्स f2 भी यहां पे लिखा जा सकता है। सो इन द एंड अगर आप देखते हो इट इज समथिंग लाइक दिस, क्योंकि मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, जिसे आप f1 f2 ओवर रूट ऑफ f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर भी लिख सकते हो, दैट इज द थिंग। एंड अगर मैं लिखूं सो दिस इज बेसिकली द फाइनल रिजल्ट जो कि यहाँ पे हमें मिलेगा, जहाँ पे f1 एंड f2 मैंने इनके रिस्पेक्टिव इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑसिलेशन लिया है, अगर सिर्फ वन ऑफ देम वाज कनेक्टेड ओवर हियर तो कुछ ऐसा फाइनल इक्वेशन मिलता है। बट दिस इज नॉट वेयर द स्टोरी इन फैक्ट एंड्स, यहाँ पे एक बहुत ही स्पेशल चीज है। अगर आप इन बेसिकली कॉम्बिनेशन को देखते हो, जैसे आपको यहाँ पे रूट ऑफ f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर मिला, यहाँ पे f1 f2 ओवर रूट f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर, या फिर अगर इन काइंड के कॉम्बिनेशन को देखते हो उनके जो फ्रीक्वेंसीज होती, आपने अगर 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ी है तो आपको पता चलेगा दिस काइंड ऑफ मैचेस विद कैपेसिटर्स, क्योंकि हमें पता है कि ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, वेव्स होता है, ऑल ऑफ द फिजिक्स इज कनेक्टेड टू ईच अदर, पूरी फिजिक्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये सब हम लोगों ने NLM से ड्राइव किया है, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी NLM यूज होती है। ये आपको कैपेसिटर्स की जो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन होती है उससे रिलेटेड मिलेगा,
दैट इज अ स्पेशल थिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, क्योंकि इट इज नॉट लाइक दिस के जस्ट पिक अप एनी रैंडम क्वेश्चन एंड यहां पे आके विल टेल यू. आई ट्राई टू टेल यू द स्पेशल थिंग अबाउट दिस. द स्पेशल थिंग अबाउट दिस क्वेश्चन इज नॉट कि हम लोगों ने सॉल्व कर लिया एंड ऐसे आंसर्स आ गए, कि हम लोगों ने एक स्प्रिंग मास सिस्टम का क्वेश्चन सॉल्व किया, एक स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए डेरिवेशन किया है, लेकिन वो कनेक्ट कहां से हो रहा है, वो एक कैपेसिटर के केस से कनेक्ट हो रहा है. दैट इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज पैरेलल. तो यहां पे हमें क्लियरली क्या पता चल रहा है, दिस कैपेसिटर्स में भी अगर आप देखते हो फैन की ऑसिलेशन होती है, जब आप बेसिकली इंडक्टेंस पढ़ोगे एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ, जब आप अल्टरनेटिंग करंट पढ़ोगे वो समहाउ काइंड ऑफ वैरिंग होती है एंड वहां पे कैपेसिटर जैसे चार्ज होता है एंड यू आर कनेक्टिंग इट टू अदर स्टफ लाइक इंडक्टर, उसमें चार्ज इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है. यू विल ऑलवेज सी कि ऑसिलेशन इज सच अ टॉपिक जो कि नियरली हर फील्ड और सो मेनी फील्ड ऑफ फिजिक्स में यूज होता है. एंड दैट इज द थिंग, दैट इज वाई सिंस एक स्प्रिंग मास सिस्टम एक सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे, एक कैपेसिटर के अंदर भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है. एंड जैसे हम लोगों ने ये फिजिकल प्रॉपर्टीज को, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंबाइन किया है, फिजिकल मीडियम्स को कंबाइन किया है एंड उन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑसिलेशन निकाले, कैपेसिटर्स में यही चीज मास की जगह चार्ज होती है, कैपेसिटर्स में यही जो ऑसिलेशन होती है यहाँ पे, रादर देन ऑसिलेशन ऑफ सम फिजिकल काइंड ऑफ थिंग ओवर हियर, कैपेसिटर्स में इलेक्ट्रॉन्स की ऑसिलेशन होती है, चार्जेस की ऑसिलेशन होती है. एंड दैट इज अ स्पेशल थिंग अबाउट दिस क्वेश्चन कि इससे आप देख सकते हो इट एक्चुअली डज कनेक्ट विद कैपेसिटर्स एंड इनडीड विद अदर ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स. सो आई गेस दिस इज अ वेरी नाइस वे ऑफ स्टडी कि अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो एंड अगर आप उसे किसी और दूसरे टॉपिक से कंबाइन कर सकते हो, सो दैट इज हाउ आप एक्चुअल में फिजिक्स सीखते हो. दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू.